नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, 0222300 1634। इसके अलावा आप 0222300 1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं खाने के तेल की कीमतों की खबर के साथ, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम बढ़े हैं, उसका सीधा इंपैक्ट अब इंडियन मार्केट पर भी दिखने लगा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के, भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल्स के, नीरव देसाई हैं जीजीएन रिसर्च के, और संदीप बजोरिया हैं सीईओ हैं सनविन ग्रुप के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल संदीप जी आपसे होगा सर, कि जिस तरह से इंडोनेशिया ने अपने एक्सपोर्ट पर शक्ति बढ़ाई है और ये कहा है कि जो इंडोनेशिया का कुल उत्पादन है पाम तेल का, उसमें से 20% लोकल मार्केट में ही बेचना होगा, उसके बाद से दाम बढ़े हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी और इंडिया में भी। चूंकि हम नेट इम्पोर्टर हैं, बड़ा इम्पोर्टर हैं ऑयल का, और इंडोनेशिया से ही हमारा सबसे ज़्यादा पाम तेल का इम्पोर्ट होता है, तो इस खबर का इम्पैक्ट होना यहाँ पर लाजमी है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या अभी और दाम बढ़ सकते हैं क्या? मृत्युंजय जी, ये हर गवर्नमेंट जो है अपनी जनता को तेल रीजनेबल भाव में खिलाना चाहती है। हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी भी स्लैश कर दी है अभी, और कहाँ 38-40% ड्यूटी को 5-8% पर ले आए हैं। और इंडोनेशिया में भी गवर्नमेंट को रियलाइज हो रहा है कि हमारी जनता जो है ये हाई कीमतों से तकलीफ में है। लेकिन इशू ये है, उन्होंने ऐसा रूल बनाया है कि आपको हर एक्सपोर्टर को 20% लोकल बेचना पड़ेगा एक बहुत ही सब्सिडाइज दाम में, जब भी उसको 80% एक्सपोर्ट का परमिट मिलेगा। और उस चक्कर को लेके, बिकॉज लोकल बेचना पड़ेगा और उसको सब्सिडाइज में देना पड़ेगा, वो एक्सपोर्ट में अपनी 80% की कीमत बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात, प्रोसीजर की है, लाइसेंस का है, उसका भी एक सिस्टम है, प्रोसीजर है, उसको भी टाइम लगता है। वेसल धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहे हैं, लाइसेंस भी धीरे धीरे इशू कर रहे हैं, 20% का पहले प्रूफ मांग रहे हैं, तो ये सब थोड़ा मैस हो गया है। और इस कारण से इंटरनेशनल मार्केट में जो बुल्स हैं उनको मौका मिला है कि वापस मार्केट को ऊपर ले जाए। कल और परसों दो दिन मार्केट शांत रहा था। कल परसों थोड़े परमिट इशू हुए थे 3,00,000 टन सीपीओ के, 18,000 टन ओलिन के, तो मार्केट थोड़ा रिएक्शनरी मोड में आया था। एक आरपीजी पाम तेल भी थोड़ा सा रिलीज हो रहा था, लेकिन आज जाके गवर्नमेंट ने बोला है कि सभी तेलों पे ये 80-20 रूल लागू रहेगा और ये आपको फुल्ली फॉलो करना पड़ेगा। और उस चक्कर में लेके आज मार्केट जो है वापस स्पाइक कर गया है, और $50 जो दो दिनों में कम हुआ था वो आज एक दिन में $50 बढ़ गया है। ये तो रही स्टोरी पाम की, और वहाँ सोयाबीन की स्टोरी वही है। शिकागो दो दिन से नीचे आया तो वहाँ अर्जेंटीना में प्रीमियम बढ़ गए। आज रात को यूएसडीए रिपोर्ट है, यूएसडीए रिपोर्ट में साउथ अमेरिका का क्रॉप वो कम करेंगे, वो एक्सपेक्टेड है। ब्राजील में मैंने आपको कहा था पहले 142-144 लाख का क्रॉप अनुमानित किया गया था 3-4 महीने पहले, वो अभी 126-128 के आसपास कह रहे हैं। अर्जेंटीना का अनुमानित किया था 48, वो अभी 42-43 कह रहे हैं। उरुग्वे प्रगुण में भी 1 मिलियन कम है। तो ये लानीना ने वहाँ डिवास्टेशन कर दिया है, और वो सब सूखा होने से क्रॉप कम हो गए हैं। हमारे इंडिया की सोयाबीन की क्रॉप 100 लाख टन है, और वहाँ तो आप समझ के लिए 220 लाख टन तो सिर्फ क्रॉप कम हो गई है। तो ये बात होने से वेज ऑयल के मार्केट में हम अभी एक ऐसे माहौल में है कि 2 महीना हमें बहुत ज़्यादा कोई रिलीफ नहीं है। यहाँ जो स्तर पर हम खड़े हैं, यहाँ से $50-70 मार्केट बढ़ भी सकता है, और घटने के लिए $50-80-100 घट भी सकता है। वायलेंट फ्लक्चुएशन होंगे, $1,500 की कमोडिटी हो गई है जो कुछ 2-3 साल पहले $600-800 थी, और इसमें 4% का भी फ्लक्चुएशन गिरो तो $60 होता है। तो अभी ये गेम जो हो गया है, ये सब बड़े मजबूत दिल वालों का और डीप पॉकेट्स वालों का हो गया है, छोटे मोटे का काम नहीं है अभी इसमें। और वाइड फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, और ऐसे में आपको बहुत संभल के काम करना है, और काम करते समय आपको हेज भी करते चलना है। लेकिन दिक्कत ये है कि इंडियन एक्सचेंजेस में हेज तो बंद हो गया है, एक्सचेंजेस चल नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट ने उनको डिफर कर रखा है। अब बहुत ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि भाई एक्सचेंजेस शुरू करें, जब तक 10 मार्च तक इलेक्शन के रिजल्ट हो जाएंगे यूपी और पंजाब और सब स्टेट के, तो मुझे लग रहा है उसके बाद में मार्च एंड तक गवर्नमेंट को सब फ्यूचर्स मार्केट को रीइंस्टेट करना चाहिए। सेफगार्ड लगा दीजिए उसमें, जो पहले जैसा उसमें एकदम वो खुला मत रखिए, उसमें डेली फ्लक्चुएशन सेफगार्ड लगाइए, मार्जिन का सेफगार्ड लगाइए, पोजीशन लिमिट का सेफगार्ड लगाइए, फिर बाद में आप
वन साइड मार्केट जा रहा है तो आप वो एक्स्ट्रा मार्जिन का सेफ गार्ड लगाइए। ये सब सेफ गार्ड हमने लास्ट समय भी आपकी चर्चा में डिस्कस किए हैं, ये बहुत सारे वो सेफ गार्ड लगा के फ्यूचर्स मार्केट शुरू करने की बहुत सख्त जरूरत है। रेपसीड मस्टर्ड सीड का भी क्रॉप बहुत बड़ा हमारे सामने है। आप कह रहे हैं कि फ्यूचर मार्केट शुरू करने की जरूरत है, लेकिन एक बात है संदीप जी कि फ्यूचर मार्केट जब नहीं है और जब दाम इस तरह की हलचल होती है, जो भी आपने बताया अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में बहुत डिटेल में कि किस तरह से दाम बढ़ रहे हैं और किस तरह से उत्पादन कम हुए हैं, फ्यूचर मार्केट जब होता है तो फील आता है दाम बढ़ने का कि हाँ दाम बढ़ गए, दिखता है कि आज 4% कल 6%, अभी वो हो नहीं रहा है तो फीलिंग नहीं आ रही है कि हाँ वाकई तेल महंगा हो गया है क्या। ठीक है, मतलब कंज्यूमर के ऊपर तो अल्टीमेटली स्पॉट का ही इम्पैक्ट पड़ना है, लेकिन फ्यूचर मार्केट एक फील भी देता है महंगाई का। नीरज देसाई जी भी हमारे साथ जुड़े हैं जीजीएन रिसर्च के। नीरज जी आपका भी स्वागत है, आप जरा बताएं कि क्या होने वाला है सिनेरियो ओवरऑल, जो इंटरनेशनल मार्केट के फैक्टर हैं, जो हमारे यहाँ के फैक्टर हैं, मतलब इन तमाम निराशावादी खबरों के बीच आशा की एक किरण वो है कि मस्टर्ड का उत्पादन बढ़ने वाला है और इसको लेकर बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि बुआई बहुत अच्छी हुई है और उत्पादन बढ़ेगा, तो क्या मस्टर्ड पर जो उम्मीदें टिकी हुई हैं, क्या मस्टर्ड ये पूरी उम्मीदें पूरी कर पाएगा क्या, जो अभी निगेटिव खबरें दिख रही हैं उसके बीच? देखिए मस्टर्ड क्रॉप तो बहुत अच्छा शेपअप हो रहा है, वैसे लास्ट ईयर का क्रॉप भी बहुत अच्छा था पर इस साल रिकॉर्ड एकरेज आया है। उसका मेजर रीजन बहुत रेम्यूनरेटिव प्राइस मस्टर्ड का किसानों को दिखा है, मिला उनको, मैं बोलूंगा थोड़ा लोअर प्राइस था पर सामने जो प्राइजेज ऑफ सीजन में चले उसको देखते उनको ये प्रोत्साहन मिला है कि भाई मस्टर्ड की बुआई करनी चाहिए, तो रिकॉर्ड बुआई है, रिकॉर्ड क्रॉप आता दिखा है। इसके सामने ये सिचुएशन है कि ऑयल सप्लाई वाइज डोमेस्टिकली हमको मस्टर्ड ऑयल की सप्लाई बेटर होगी, करीब करीब 6-7 लाख टन मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा होगा इस साल। पर अब प्राइस वाइज ऐसा है कि अगर जो बहुत ज़्यादा बड़ा फॉल मस्टर्ड सीड के प्राइजेज में आया सीजन में, तो फिर वही होगा जो सोयाबीन्स में हुआ कि ज़्यादा फॉल आने पर फिर किसानों ने उसको होल्ड करना चालू कर दिया और उनको ऐसा लगा कि भाई ऑफ सीजन में तो प्राइजेज काफ़ी ऊँचे थे, तो ये देखने का रहेगा कि मस्टर्ड के प्राइजेज हार्वेस्ट पे क्या भाव पे बिकते हैं। और आई वुड से कि ये इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए देखने के लिए कि हाई ऑयल बेरिंग ऑयल सीड है ये अपना, और ये हाई ऑयल बेरिंग ऑयल सीड को अच्छा रेम्यूनरेटिव प्राइस अगर 2-3 सीजन तक मिलता रहा तो हम थोड़े से ऑयल सफिशेंसी में बेटर होंगे। सी कंप्लीट डिपेंडेंस तो इम्पोर्ट पे से जा नहीं सकता, पर कहीं ना कहीं हाई ऑयल बेरिंग सीड्स को अगर हम प्रोत्साहित करते हैं तो वो बेटर रहेगा। राइट, ठीक। जहाँ तक तेजी मंदी की बात है, मैं ऐसा बोलूंगा कि फंडामेंटल से ज्यादा गवर्नमेंट पॉलिसीज पे डिपेंड कर रहा है। आज इंडोनेशिया की गवर्नमेंट पॉलिसी रोज पीएमडी पे 100-200 पॉइंट्स की तेजी मंदी करवा रही है, साथ ही में इंडियन गवर्नमेंट की भी जो मूवमेंट बीच में हमारे यहाँ पे रही उसके कारण काफी मूवमेंट में फ्लक्चुएशन रहे। तो आई थिंक सब जगह गवर्नमेंट को हाई प्राइजेस ऑफ ऑयल सीड एक जगह दिख रहे हैं कंज्यूमर के हिसाब से, पर सामने ये भी एक चैलेंज बहुत बड़ा है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया को तो प्रोत्साहित करना ही पड़ेगा ऑयल सीड फार्मर को, ताकि हम ऑयल में बेटर सप्लाइड रहे, थोड़े से सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाए। ठीक है, आपने पॉलिसी की बात की तो पॉलिसी को लेकर एक खबर ये है कि कल एक मीटिंग हुई थी राज्यों के साथ, केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल थे, और राज्यों से केंद्र ने कहा है कि आप स्टॉक लिमिट पर सख्ती बरतें, जो आदेश स्टॉक लिमिट का आया है उसका पालन करने को कहा गया है राज्यों से। कल खाद्य मंत्रालय के साथ ये बैठक हुई थी और ये भी कहा गया कि सप्लाई और कीमतें इस पर नज़र रहे, राज्यों को ये कहा गया है ताकि कीमतें अनावश्यक तौर पर ना बढ़ पाए और जो नई फसल आएगी उसकी सप्लाई पर भी नज़र रखने के आदेश दिए गए हैं। तो संदीप जी, इन सब कवायद का कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं क्या? सर खबर यह है कि कल एक मीटिंग हुई थी खाद्य मंत्रालय के साथ राज्यों की। देखिए ये स्टॉक लिमिट तो जहां तक है ना, ये प्रोसेसर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेसर्स के लिए बहुत इनफ स्टॉक लिमिट दे रखी है और प्रोसेसर्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, डिपोज है, होलसेलर्स है, उनको भी वो स्टॉक लिमिट में कंबाइन कर सकते हैं। सिर्फ ये स्टॉक लिमिटों में होलसेल ट्रेडर और रिटेल में प्रॉब्लम होने वाली है, वो बहुत कम लिमिटें उन्होंने फिक्स कर रखी है, वो तो 30-40 साल पहले जो लिमिटें होती थी। जब तक हमारा तेल की इकोनॉमी, आज हमारी 230 लाख टन की डिमांड की साल की इकोनॉमी है, उस समय साल की इकोनॉमी 70-80 लाख टन 100 लाख टन की हुआ करती थी,
उस लिमिट तक वो इनका 2 या 3 दिन बढ़ाना जरूरी है जो होलसेलर के और रिटेलर के, नहीं तो वो सप्लाई लाइन में खुद के वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। गवर्नमेंट को ये बात बोली गई है, उनको रियलाइज अभी स्टेट से भी आएंगे मेरे ख्याल से उनको फीडबैक, और ये उनको करना बहुत जरूरी है कि होलसेलर और रिटेलर की लिमिटों को 2 गुना या 3 गुना बढ़ाना जरूरी है। प्रोसेस की लिमिट गुड इनफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, तो कहें आप कह रहे हैं कि लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका। नीरज जी एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ सर, कि ऐसे में अगर ओवरऑल आउटलुक देखा जाए खाने के तेल का, सोया तेल, पाम तेल, बाकी तेलों का, तो क्या माना जाए, दाम घटेंगे या बढ़ेंगे, अगर एक लाइन में ये आप बता पाए? मैं कहूँगा प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं और ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, पर सामने जिस तरीके का पाम का स्टॉक टाइट है, जिस तरीके से ऑलरेडी इंडिया ने सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल अच्छी क्वांटिटी में लिया है, ओरिजिन पे उतना ज्यादा बड़ा सप्लाई नहीं है, उसके कारण बहुत ज्यादा मार्केट घटेगा भी नहीं आने वाले महीने 2 महीने। साथ ही में मस्टर्ड ऑयल की अच्छी क्रॉप आने से कई लोगों की ये मानसिकता है कि बाजार में भाव घटेंगे, पर समझने की ये जरूरत है कि 1700 रुपये, 1750 रुपये वाला कच्ची घनी तेल की एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्च में 1350 रुपये होएगा, तो वो घटेगा, परंतु 1350 रुपये की घनी भी आई वुड से जो बहुत ज्यादा सोया ऑयल पाम ऑयल को इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सोया ऑयल पाम ऑयल अभी भी उससे लोअर प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं। तो आई थिंक मार्केट हायर प्राइस पे थोड़ा सा कुछ दिनों चलेगा और फिर धीरे धीरे एक डाउनवर्ड ट्रेंड अगर सप्लाईज वर्ल्ड वाइड थोड़ी सी इंप्रूव हुई तो आएगा। ओके ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी कि क्या ओवरऑल प्राइस होगा। बहुत शुक्रिया नीरव जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तेल और तिलहन की कीमतों पर बात करने के लिए। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आज शाम के कारोबार में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। शुरुआत गोल्ड से, बीरेन जी गोल्ड पर क्या व्यू है सर आपका, क्योंकि मार्केट बहुत ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, 48,500 के आसपास है, कोई ट्रेड बन रहा है क्या सर अभी गोल्ड में? काफी सीमित कारोबार है गोल्ड में, तो मुझे गोल्ड में तो ऐसा मूवमेंट नहीं लग रहा है, बट सिल्वर रिस्क ऑन कमोडिटी जो है, जिनको मेटल का थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, तो उसमें मेरा बाय साइड का व्यू है, उसमें मैं बाय साइड की पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा। अच्छा ठीक है, आपका व्यू भाविक जी कॉल बताएं, अगर इस भाव पर कोई गोल्ड में ट्रेड लेना चाह रहा है, 62,818 का लेवल है MCX पर, माफ कीजिएगा चांदी का लेवल है ये, और गोल्ड का भाव 48,500 के आसपास है, तो अगर इस भाव पर कोई गोल्ड में ट्रेड लेना चाह रहा है तो क्या करना चाहिए उनको? जी हालांकि आज सीमित दायरा है, पर मृत्युंजय जी मुझे लग रहा है कि गोल्ड फिर भी अंडरलाइन बुलिश ही है, तो 40,420 के करीब लॉन्ग कर सकते हैं 48,550 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस इंट्राडे का रख सकते हैं 48,375 का। ठीक है, तो ये राय आप दे रहे हैं गोल्ड पर, 48,475 का लेवल है MCX पर, और मामूली बढ़त इस वक्त गोल्ड की कीमतों में दिख रही है। चांदी पर आपका व्यू क्या है बीरेन जी? चांदी का मार्केट तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तेजी आती है लेकिन टिक नहीं पाती है, क्या किया जाए? शॉर्ट टर्म फेड का जो मीटिंग अगला होगा 12-13 मार्च के आसपास, उसके पहले मैं एक थोड़ा हल्का सा फ्रंट रनिंग के हिसाब से चांदी में बाइंग प्रेफर करूंगा, यहाँ बेस मेटल का भी थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। टेंटेटिव रेंज इसकी मैं 62,000 से 64,000 के आसपास की देखता हूँ, तो 62,200 के आसपास बाइंग और 61,800 का स्टॉप लॉस, टारगेट हम 63,000 का रख सकते हैं, थोड़ा लंबा शायद 63,500-63,700 का भी रख सकते हैं। क्या अच्छा क्रूड का मार्केट अभी भाविक जी आपको कैसा लग रहा है? मार्केट बहुत अच्छी तेजी में था लेकिन अब थोड़ा सा नीचे आया है, और अभी MCX पर करीब करीब 0.5% 0.25% के आसपास की गिरावट है। नाइमेक्स क्रूड और ब्रेंट क्रूड यहाँ पर भी थोड़ी नरमी है, हालांकि ब्रेंट अभी भी 90 के ऊपर है, कोई ट्रेड आज के लिए, आज शाम के लिए क्रूड में? जी जरूर मृत्युंजय जी, देखिए क्रूड में अगर स्पेक्युलेटिव पोजीशन देखें तो ये तीसरा वीक है कि जहाँ पे लोग ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, और US और ईरान की जो बात हो रही है तो उसकी वजह से भी सेंटिमेंट है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो आज के दिन आई वुड से कि सेल ऑन राइस की रणनीति रखनी चाहिए। फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 6700 पे मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा, टारगेट रहेगा 6600 का और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 6750 का। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी क्रूड के ऊपर कि क्रूड में अभी इस वक्त क्या करना चाहिए। लेकिन बीरेन जी ये तो इंट्राडे की बात है कच्चे तेल में लगा, लेकिन लॉन्ग टर्म को देखा जाए सर
तो अलग अलग तरह की खबरें हैं। एक तरफ तो रूस और यूक्रेन का विवाद है, और अगर ये विवाद बढ़ता है तो सप्लाई को लेकर दिक्कत आएगी, क्योंकि रूस गैर ओपेक का बड़ा प्रोड्यूसर है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के न्यूक्लियर डील को लेकर भी बातचीत हो रही है, वहाँ से कुछ अगर पॉजिटिव खबर आती है तो सप्लाई बढ़ जाएगी ईरान से। तो ऐसी खबरों के बीच आपके हिसाब से मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है क्रूड पर? यहाँ इन्वेंट्री लेवल काफ़ी टाइट है, और मार्केट में गोइंग फॉरवर्ड सप्लाई को लेके चिंता बनी हुई है। अगर ईरान का क्रूड आता है मार्केट में, और बीच में थोड़ी लीबिया की भी डिसरप्शन थी, सऊदी अरेबिया ने भी बीच में प्राइस बढ़ाए है एशियन कंज्यूमर्स के लिए, तो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स अभी भी थोड़ा मार्केट को अपसाइड बता रहा है। बट एट दिस लेवल 100 लेवल मींस 9500 का लेवल है, यहाँ थोड़ा सेचुरेशन लगता है मुझे। तो $4 कमाने के लिए $8 का रिस्क ऐसी पोजीशन बनती है, तब मैं थोड़ा बाय साइड में रिलक्टेंट हूँ, यानी वो ये तेजी में मुझे पार्टिसिपेट होने की मन नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, तो ये राय हो गई आपकी कच्चे तेल पर, और अभी करीब 50 रुपए की नरमी है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है राहुल चौधरी का, पूछिए राहुल जी। मेरे को वीरेंद्र जी से पूछना है कि ये कपास खली में क्या होगा, मतलब ये कभी तो ऊपर की ओर कभी नीचे की ओर, कहाँ से खरीदना चाहिए इसको? बताइए वीरेंद्र जी, कपास खली में क्या होने वाला है आगे? 3100 के लेवल पे है कॉटन सीड के का भाव, 10 रुपए की तेजी आज दिखी है, क्या लगता है सर आगे आपको? इनकी बात से सहमत, इस बार तो मैं भी इसमें काफी गलत जा रहा हूँ, क्योंकि कॉटन की फसल काफी कम है, कॉटन मार्केट सुपर स्ट्रांग है, कपास भी काफी कम मजबूत है, बट ये मार्केट दो साइड इरेटिक चल रहा है। शायद कॉटन सीड का मार्केट में जो कैश मार्केट थोड़ा कमजोर है उसकी शायद ये वजह होगी, बट फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस मार्केट की चाल। मोदी, अच्छा कैलाश मोदी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल लेंगे। लेकिन बीरेन जी, एक बात में आप, अगर आप कह रहे हैं कि आपको कॉटन के मार्केट की चाल समझ में नहीं आ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है सर, जबकि आप बहुत ही बारीक नज़र रखते हैं कॉटन केक पर। तो ऐसा इस बार क्या हो गया सर कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा है? नॉर्मली मैं डिमांड सप्लाई पे चलता हूँ, बट इस बार क्या है कि फिजिकल सेक्टर में किसान की डिमांड काफ़ी कमजोर है खल में, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट में चले गए मक्का की जो ब्लेंडेड प्रोडक्ट जिसको हम पशुधन बोलते हैं हमारे यहाँ, उसमें थोड़ी क्वालिटी भी कमजोर है फिजिकल केक की, कलर और ग्रेड के हिसाब से। थोड़ा मुझे इसमें कोई एक्स फैक्टर दिख रहा है जो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा या समझा नहीं पाऊंगा। बहुत बहुत अच्छी बात सर, ये एक्स फैक्टर वाली जो बात आपने बताई है, आप तो आपको बताना ही पड़ेगा सर, क्या है ये एक्स फैक्टर? मैं आपको, कुछ मेरी पाबंदियां है, कुछ मेरी मजबूरियां है, बट मैं समझ रहा हूँ बट समझा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं माफी चाहता हूँ सर। आप समझाएं, मैं समझ जाऊंगा सर, समझाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप हिंट दें, मैं समझ जाऊंगा क्या है ये एक्स फैक्टर। मुझे, मैं जो कोकड़ में कॉटन केक में जो क्यू लेता हूँ, वो हमेशा मैं डीमैट स्टॉक से लेता हूँ, यानी मेरे हिसाब से पेपर कोकोड़ और फिजिकल कोकोड़ ये दोनों अलग अलग चीज है, तो यहाँ से मैं क्यू लेता हूँ। पेपर कोकोड़ और फिजिकल कोकोड़ अलग अलग है, तो इसमें सर फिर फैक्टर क्या है एक्स? इतना मैं कह सकता था आपको। तो मतलब क्या है, दोनों में कुछ डिस्पेरिटी है क्या सर, पेपर कोकोड़ और फिजिकल कुकुड में? चारा में तो फिजिकल कुकुड जाएगा, पेपर कुकुड का चारा नहीं होगा, वो पशु खा नहीं सकता, पशु तो रियल कुकुड खाएगा। आपने बड़ा हिंट दे दिया, मतलब आप कह रहे हैं कि अच्छा फिजिकल, बात सही है बिल्कुल। तो मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि पेपर कुकुड में खेल हो रहा है? ना, इसमें नो कमेंट, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मैंने सिर्फ आपको दो चीज का मतलब बताया है कि रियल के पेपर क्या है, फिजिकल क्या है, जो आपने पूछा था, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पेपर और फिजिकल में तालमेल नहीं है? तालमेल मुझे नहीं दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा सर, तो उसमें सच्चाई होगी, क्योंकि मतलब आप तो बहुत बारीक नजर रखते हैं, तो इसके पीछे कोई वजह सर, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ,
मैं ओपनली इसलिए तो बोल रहा हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा सर। ये तो आप आपका बड़प्पन है कि आप कह रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मतलब आपने ही तो समझा इस बात को कि हाँ फिजिकल में और पेपर में तालमेल नहीं है, यही तो सबसे बड़ी समझ है। चलिए इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कैलाश चंद्र मोदी भी जुड़ रहे हैं, बताइए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। क्रूड में मैं पोजीशन बनाना चाहता हूँ, क्या पोजीशन लेनी चाहिए, लॉन्ग की या शॉर्ट की? क्रूड में आप ट्रेड लेना चाहते हैं, बताइए भाविक जी क्या करना चाहिए इनको? जी इंट्राडे 6700 के करीब वो शॉर्ट कर सकते हैं, 6750 के स्टॉप लॉस है, और टारगेट इंट्राडे का रखिए 6600 का। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ राम है, पूछिए राम जी। धन्यवाद सर। मेरा सोयाबीन पर जॉब आने वाले 2 महीने में क्या हाल है? 2 महीने में सोयाबीन का प्राइस क्या हो सकता है, बताइए बीरेन जी। फिजिकल मार्केट में हमारे यहाँ थोड़ा डिमांड है हल्का फुल्का, फ्यूचर्स तो बंद हो गए हैं और ग्लोबल मार्केट तो काफी तेज है, बट यहाँ फ्यूचर्स बंद होने के कारण हमको कोई फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं मिल रहा है। बट ऐसा लग रहा है कि जो अच्छा किस्म का सीड क्वालिटी का जो सोयाबीन होगा इसमें अभी भी बढ़त की गुंजाइश है। ओके, दिनेश हैं हमारे साथ ग्वालियर से, पूछिए दिनेश जी। जीरे में साथ तेजी करनी चाहिए कि मंदी? जीरे का तो बड़ी हॉट कमोडिटी है अभी, आज तो 21,000 के भी ऊपर गया है जीरे का भाव, बताइए भाभी जी क्या करना चाहिए जीरे में, तेजी या मंदी? आई थिंक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत हमने स्पेक्टेकुलर तेजी देखने को मिली है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वापस 20,000 से 19,800 के करीब आ सकती है, तो वहाँ पे एक बार बाय कर सकते हैं 19,500 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं वापस 20,800 का, बट थोड़ी नीचे आने की वेट कीजिए, नीचे आता है तो ही बाय कीजिए। ओके, राजेश हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, राजेश हैं हरियाणा से, पूछिए राजेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। 2 लॉट निकल के सेल है, 2 लॉट निकल के शॉर्ट है, किस भाव पर सर? 1732। अच्छा, टीवी का वॉल्यूम कम करें, दोबारा अपना लेवल बताएं। 1725 रुपए सर। अच्छा ठीक है, बताइए क्या किया जाए बीरेन जी। निकल में एट दिस लेवल ऐसा लग रहा है कि 1770 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए, 1705-7 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, रेंज इसकी 1705-1770 की है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। जी फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट कॉपर अराउंड 750-250 के करीब लॉन्ग के रिकमेंडेशन रहेगी, 748 के स्टॉप लॉस और 758 का टारगेट। आपकी कॉल बीरेन जी। लेड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में 185 के आसपास शॉर्ट सेल प्रेफर करूंगा, 187 का स्टॉप लॉस रहेगा, 181 का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल भाविक जी। जी एल्यूमिनियम फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 253.50 पे मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूंगा, 252 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा 257 का। ओके चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।